हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकीवल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम 46 से लेके 51 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। तो इंतजार किसका फ्रेंड, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फॉर अ नंबर ग्रेटर देन वन, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ द सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। बाई हाउ मच परसेंट नियरेस्ट टू एन इंटीजर इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर अ नंबर ग्रेटर देन वन, दैट मीन्स हम मान लेते हैं कोई नंबर हमारा एक्स है, अब वो ग्रेटर देन वन है, ठीक। तो ये पहली कंडीशन दी हुई है, हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ द सम ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होगा। अब आप लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि हमने एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यों किया, हम वन अपॉन एक्स माइनस एक्स भी कर सकते थे। अगर वैसा करेंगे तो आंसर में कुछ चेंजेस हो जाएंगे ना। तो फ्रेंड, यही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड देखिए साफ साफ गिवेन है कि एक्स जो है वन से बड़ा है। तो इसका मतलब वन अपॉन एक्स जो होगा ये वन से छोटा होगा, होगा ना, और वन जो है एक्स से छोटा है। तो इसका मतलब जो हो गया वन अपॉन एक्स, ये एक्स से छोटा है। तो ये जो हम करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो हम बड़ा वाले से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स करेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, इस इज इक्वल टू है फ्रेंड 20% इनका सम, दैट मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, ये है। तो ये हमारा इक्वेशन हो रहा है जो ये लाइन कह रही है, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमें पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। दैट मीन्स हम इसको लिख लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने नंबर क्या माना था, एक्स माना था। तो एक्स स्क्वायर हमारा स्क्वायर हो गया। अब लेस देन इट्स क्यूब, तो क्यूब ऑफ नंबर क्या होगा, एक्स क्यूब। अब इसका लेस निकालना है मतलब बड़े वाले में से एक्स क्यूब में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इतना कम होगा। लेकिन इसका परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो अपॉन में परसेंटेज निकालने के लिए हमें जो वैल्यू मिली उसके अपॉन में कुछ वैल्यू करके इंटू 100 करना रहता है। तो अब यहाँ पे अपॉन में क्या लेंगे, तो अपॉन में फ्रेंड हम हमेशा वही लेते हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देन इट्स क्यूब, क्यूब से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो हम क्यूब लिखेंगे। या सिंपल से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अभी भी बता दूँ कि आप सिंपल से एक काम करिए, आपसे खुद से क्वेश्चन करिए कि किससे। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब, मतलब स्क्वायर जो है क्यूब से छोटा है, तो किससे छोटा है, क्यूब से। तुरंत तुरंत आपको जवाब मिलेगा ना, क्यूब से छोटा है, तो जिससे छोटा रहेगा वही नीचे। तो यहाँ पे क्यूब से छोटा, दैट मीन्स एक्स क्यूब हमारा नीचे हो जाएगा, अब इन टू 100। तो ये हमारा फ्रेंड इक्वेशन है जो हमें फाइंड करना है, और गिवेन हमारा ये है। अब देखिए फ्रेंड, इसको अभी और हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, अब इंटू इनके 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने कुछ नहीं किया, ये जो एक्स क्यूब है इसको मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ना इसको खोल दिया, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, बाकी 100 एज इट इज़ रह दिया। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 100, ये हो गया हमारा। इसको हमने इसको तरह लिख दिया, तो दैट मीन्स अगर हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट अप करते तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना फ्रेंड। तो हम यही कोशिश करेंगे कि x या 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो हमें गिवेन है, दैट मीन्स ये गिवेन है ना, तो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 20% की, तो 20% को हम जानते हैं कि कितना होता है, 1/5 होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, ये हो गया। यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4। तो इसको हम कुछ मत करिए, हमें x चाहिए ना फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमें ये x चाहिए, वो या तो 1 अपॉन एक्स मिले या x मिले, और यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम रूट निकाल लेते हैं। तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम निकालेंगे, ये हो जाएगी हमारी रूट 6 अपॉन 2, क्योंकि रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है, ठीक। तो 2 हो गया, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। तो हम इसको पुटअप कर देते हैं, तो वो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 अपॉन रूट 6 हो जाएगा इंटू 100, ये होगा ना फ्रेंड, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ जो है डिनोमिनेटर में हमारा रूट सिक्स है ना, तो इसको हम पहले न्यूमरेटर में कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वही हम कोशिश करते हैं कि इसको न्यूमरेटर में चेंज कर दें। तो न्यूमरेटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऊपर नीचे हम रूट सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वन माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रूट सिक्स हो जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, सिक्स हो गया। अब देखिए टू से काट देंगे तो ये हो जाएगा थ्री, और यहाँ पे इंटू हंड्रेड तो है ही, तो ये हो गया। अब देखिए हमें फ्रेंड रूट सिक्स अपॉन थ्री आ गया, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा ना सिंप्लीफाई करना। अब फ्रेंड अगर आपको रूट सिक्स की वैल्यू पता है कि 2.45 होती है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, थ्री माइनस 2.45 अपॉन थ्री इंटू हंड्रेड, दैट इज़ ये हो जाएगा 0.55 अपॉन थ्री इंटू हंड्रेड, दैट मीन्स 55 अपॉन थ्री 48 होता है, तो 17 तरीके 51, 18 तरीके 54, दैट मीन्स 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा 18 वाला आंसर होगा। क्योंकि क्या बोला है, नियरेस्ट टू इंटीजर, यहाँ पे देखिए साफ साफ इसीलिए बोला गया कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर, ठीक ना, तो हमारा 18 आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, लेकिन अगर आपको रूट सिक्स का स्क्वायर रूट नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो इसके लिए भी फ्रेंड मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड 25 का तो स्क्वायर याद ही होगा ना। अब आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, दैट मीन्स 625 होता है, और हमारा यहाँ पे रूट किसका निकालना है, 6 का, मतलब इसके आसपास में है ना। तो हम जहाँ इसका मतलब समझ गए होंगे आप यहाँ से कि 2.5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा 6.25, तो दैट मीन्स अगर हम इसका रूट लेंगे तो हमारा 2.5 आ जाएगा ना, दैट मीन्स 6.25 का रूट हमारा 2.5 होगा, और हमें किसका रूट निकालना है, 6 का, दैट मीन्स 6 क्या होगा, इससे छोटा है, मतलब 2.5 से छोटा होगा हमारा इसकी वैल्यू, रूट 6 की वैल्यू कुछ छोटी होगी। अब आपने पहले भी देख लिया कि 2.45 होते थे, मतलब छोटा होगा, लेकिन हम गेस कर रहे हैं ना, दैट मीन्स 2.5 हम लेके चलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इससे छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम गेस एक तरीके से मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ कि हम अप्रॉक्स भी लेके चले तब भी हमारा आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अप्रॉक्स लेके चल रहे हो तो अरे किधर भाग जाओगे, वैसे कुछ नहीं करना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम 2.5 लेंगे चलेंगे तो हमारा रिजल्ट छोटा आएगा, क्योंकि हमारा छोटा है। तो हम यहाँ पर 2.5 लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 2.5 लेके 3 माइनस 2.5 अपॉन 3 हो जाएगा इंटू 100, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 3 इंटू 100, तो दैट मीन्स 50 अपॉन 3, तो आंसर क्या आएगा, 16 48, तो 16.67। अब देखिए फ्रेंड रिजल्ट हमारा छोटा है ना, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने छोटी वैल्यू ली, बड़ी वैल्यू ली थी, तो इसीलिए रिजल्ट हमारा छोटा आया है, ठीक, और बड़ा आना चाहिए क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना यहाँ से, तो छोटा सब्ट्रैक्ट बड़ा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिजल्ट छोटा हो जाएगा, इसलिए छोटा आया है ये रिजल्ट। तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे इससे जो बड़ा वाला रिजल्ट होगा वही हमारी वैल्यू होगी। वैसे भी देखिए क्वेश्चन में हमारा जो है यहाँ पे 16 के पास सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है 18, तो आप अप्रॉक्स भी लेके चल रहे हो तो ढंग से लेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आंसर हमारा 18 होगा, और नहीं तो आपको अगर वैल्यू याद है तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये था हमारा सॉल्यूशन और ये था हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर था, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, व्हाट परसेंट ऑफ 5.6 इज इतना, तो कुछ नहीं, मैंने आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया कि इसके बाद जो नंबर रहता है वो पहले रहता है और जो इसके पहले रहता है वो नीचे रहता है, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा 5.6। अब लेकिन फ्रेंड एक बात ध्यान रखना कि ये जो है ग्राम में और ये केजी में है, तो पहले दोनों को ग्राम या केजी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन ये, इसमें हम 5.6 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में हो जाएगा, दैट मीन्स ये 100 तो हमारा होगा ना, 100 क्यों होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, इसीलिए ये 100 होगा। ग्राम से कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ नहीं आ रहा है, लेकिन हम परसेंटेज निकालने में ये आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये 2 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से यहाँ डेसिमल हट गया, अब कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 होता है, और 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 6 5 20 ये हो गया, 7 से कटेंगे 2 आ जाएगा, 7 से कटेंगे 5 आ गया, दैट मीन्स ये आ गया 5/2, दैट मीन्स 2.5 हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ द वर्ड ऑफ फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पीएच, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे पीएच एक जगह है ना, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितने लेटर हैं,
क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए रिडक्शन, तो मतलब कि पहले कितना था उसमें सब कितना लीटर कम हो गया है उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, और अपॉन में जितना लीटर था इंटू 100। रिडक्शन मतलब जिस किससे रिड्यूस हुआ, साफ साफ क्वेश्चन करिए किससे, तो हमें पता चल जाएगा इतना लीटर। पहले कैलकुलेट कर लेते तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, जैसे इसको कैलकुलेट किए कितने लीटर हैं इसमें, 5 5 10, तो मतलब अभी हमारे पास 10 लीटर हैं, ठीक है 10 लीटर हैं। तो अब इसमें से एफ रिप्लेस कर दिया पीएच को, दैट मीन्स ये जो पीएच है ना इसकी जगह सिर्फ एक लीटर रख दी एफ, तो इसका मतलब अब कितने लीटर हो जाएंगे, 9 लीटर हो जाएंगे ना, एक लीटर कम हो गया, तो हमारे पास 9 लीटर है। रिड्यूस कितना हुआ, पहले 10 थे अब 9 हो गए, कितना कम हुआ, एक कम हुआ, किससे कम हुआ, अब क्वेश्चन आप खुद से करेंगे किससे कम हुआ, तो 10 से कम हुआ ना, आपको जवाब मिलेगा 10 से कम हुआ, तो इसका मतलब हम 10 नीचे लिखेंगे, तो ये हमने 10 नीचे लिख दिया। अब इंटू 100 कर दीजिए, यही हमारा परसेंटेज होगा, दैट मीन्स 10 से कट गया, तो 10 हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स 10% होगा, दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड क्वेश्चन क्या करा है, क्योंकि साफ साफ इसमें क्वेश्चन में यही किया गया कि पहले पीएच था तो इतने वर्ड लेटर थे, यहाँ पे वर्ड बोला गया ना, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स, लेटर में कितना रिडक्शन हुआ ये पूछा गया, तो पहले हमारे 10 लेटर थे, अब पीएच की जगह एफ कर दिया एक लेटर, पीएच 2 लेटर थे उनकी जगह एक लेटर कर दिया, तो हमारे पास एक कम हो जाएंगे ना, तो वही एक कम हुआ और टोटल नंबर ऑफ ये कितने थे, बस यही हमारा आंसर था। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक था बस, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ इतना परसेंट ऑफ 8 की पावर 1/9 भी है, तो पहले कर लेते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.08/100। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.0008/100, क्योंकि परसेंटेज ही हम भी सॉल्व कर रहे हैं, बाकी डेसिमल वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक ये हो गया। अब इंटू 8, अब इसकी पावर है 1/9, ठीक तो ये है पावर में। अब तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड पावर क्या है, 1/9, दैट मीन्स अगर हम इसमें कि इन किसी चीज़ को 9 बार दिखाएंगे तो हम एक बार बाहर लेंगे, दैट मीन्स अगर हमारा यहाँ पे मान लीजिए 8 को अगर हमें बाहर निकालना है इस ब्रैकेट से, तो हमें 9 बार 8 लाना होगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, तो 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 3 बार 2 लिख सकते हैं ना, तो तीनों 8 को 3 बार 2 लिखेंगे तो 9 बार हो जाएगा, दैट मीन्स हम 2 बाहर ले सकते हैं ना, तो इसीलिए हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ 2 डिजिट हटाएंगे, 2 डिजिट याद है ना डेसिमल राइट से, तो हटाएंगे तो नीचे 2 डिजिट 2 जीरो आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 जीरो आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम 3 डिजिट बाद है डेसिमल राइट से, तो हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है ओके। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 3 2 5 और 4 9, दैट मीन्स 9 जीरो है ना, तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, मतलब 1 10 बाहर आ गया, क्योंकि हमारा जो पावर है वो 1/9 है, अपॉन में रहेगा तभी ये रहेगा फ्रेंड, अगर इनटू में रहेगा दैट मीन्स यहाँ अगर 9 पावर होता तो 1 निकालते तो 9 गुना हो जाता, दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम 10 निकालते ब्रैकेट के, मान लो ऐसे होता कि 10^9 है, तो अगर हम 10 निकालते बाहर ना ब्रैकेट के, तो हम 10 टाइम्स मतलब 9 टाइम्स 10 को लिखते इंटू 9 9, ऐसे बार 9 9 बार लिखते यहाँ तक, लेकिन हम यहाँ पे हमारा देखिए 1/9 है, तो दैट मीन्स ये अगर 10 9 बार इंटू करके निकाल रहे हो बाहर तो 1 बार आएगा सिर्फ, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक। तो यहाँ 1 बार आ गया 10, अब 8 है ना, अब बाकी कुछ तो बचा नहीं है, क्या बचा है, 8 × 8 × 8 बचा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 का क्यूब × 2 का क्यूब × 2 का क्यूब, क्योंकि 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, और यहाँ पर 1/9 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स 2 × 2 की पावर 9 हो जाएगा, 1/9 है तो मतलब अब ये कैंसिल कर देगा, और सेट ये क्या हो गया, हाँ चलिए हाँ, तो अब ये कैंसिल कर देगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट मीन्स बाहर हमारा 2/10 आएगा, और 2/10 कितना होता है ये तो हम जानते हैं कितना होता है, 0.2 होता है, तो दैट मीन्स यही हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया ना फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं इसको भी। इन एन ऑफिस द नंबर ऑफ फीमेल्स इज इतना ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 80% ऑफ ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग इतना मेल गॉट प्रमोशन, इफ देर आर 105 फीमेल एम्प्लॉयज, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज डिड गेट प्रमोशन, ये सब है। तो यहाँ पे देखिए 105 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, और ये क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ इज़ एट 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ एक्स हैं,
तो इसका 70% फीमेल होगा। और यहाँ पे बताया गया है साफ साफ कि फीमेल कितनी है, 105। दैट मीन्स ये इक्वल होगा ना, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये इक्वल हो गया, तब इसको सॉल्व कर लेते तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70% हम जानते हैं 7/10 होता, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये हो जाएगा 15, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150। एक्स इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं 150। अब 105 उसमें वुमेंस हैं, दैट मीन्स ये वुमेंस हैं, फीमेल हैं, तो इतने कितने मेल होंगे, तो मेल हमारे पास हो जाएंगे 150 माइनस 105 करेंगे दैट मीन्स 45। तो मेल हमारे पास 45 है। ठीक, तो ये हमारे दोनों चीज़ें आ गए कि कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, 80% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग 85 मेल्स गॉट प्रमोशन। ओह शिट फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 85 मेल्स हैं, हमारा क्वेश्चन में आया कितना है, 45 मेल्स हैं। तो फ्रेंड ये तो हमने सही तरीके से निकाला है, तो दैट मीन्स ये तो हमारा सही है, और ये यहाँ बोल रहा है कि 85 मेल, दैट मीन्स ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा गलत है। और फ्रेंड बुक में भी साफ साफ मेंशन किया गया कि ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे यहाँ 45 होता तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता, तो हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट क्वेश्चन हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन भी फिर इनकरेक्ट होगा फ्रेंड, तो इसलिए हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इतना ऑफ इतना ऑफ इतना ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 179, व्हाट विल बी इतना परसेंट ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। फ्रेंड काफ़ी ऑफ परसेंटेज का यूज़ किया गया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर जो है वो एक्स है। ठीक, वो नंबर हमारा एक्स है, तो इसका इतना परसेंट, तो दैट मीन्स हम इसमें इंटू 63 2/3 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6 3 18 6 3 18 दैट मीन्स 198 हो जाएगा, प्लस 2 मतलब 200, दैट मीन्स 200/3%। एक्स का हमारा 200/3%, इसका भी 75%, अब इसका 1/8। अब फ्रेंड एक बार ध्यान रखिए, यहाँ 1/8 ही है, परसेंट नहीं है, इसलिए अकेले 1/8 रखिएगा, यहाँ पहले इंटू होना चाहिए यहाँ। ठीक, ये हो गया, तो ये है, ये जो है बराबर है हमारा 179 के, यहाँ पे देखिए 179 लिखा हो ना, इसको इरेज कर देता हूँ अगर नहीं, हाँ ये देखिए 179, तो ये बराबर है हमारा 179 के। ठीक, तो ये तो हमारा गिवन हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं, तो इससे हमारा आसानी हो जाती है कि हमें क्या निकालना है, जो हमें पता चल जाता है कि हमें यही निकालना है, तो हम आसानी से निकाल भी लेते हैं। तो पूछ रहा है हमारा कि ऑफ दैट नंबर, दैट मीन्स हमारा नंबर एक्स था, इसका 3/4 पहले निकालो, फिर 33 1/3 दर में 33 कितना होता है 9, हाँ तो 100/3 इतना परसेंट निकालना है फ्रेंड। तो हम देखते हैं कि इसको अगर हम इसको डायरेक्ट इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वैल्यू मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स यहाँ से हम एक्स निकालने उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम दोनों में से कोई भी करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा 200/3 है, परसेंट भी है, तो यहाँ परसेंट भी है, दैट मीन्स अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, काम बन जाएगा। तो क्या करिए आप, ये जो 2 है यहाँ से इसको 1 करिए और यहाँ पे अपॉन 2 कर दीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है मैंने क्यों किया कैसे किया, इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं पूछा क्या जाता है, और हमेशा आप क्वेश्चन में यही चेक करिए कि पहले क्या गिवन है उसके बाद क्या पूछ रहा है, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है, हम एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ हमने कर लिया, तो हमारा इतना पोर्शन तो हो गया, देखिए एक्स इंटू दिस है, अब हमें 3/4 चाहिए। अब 3/4 के लिए हम जानते हैं कि 75% जो होता है वो होता है हमारा 3/4, 75% इसको टू 3/4 होता है, क्योंकि 75 75 25 100 3/4, दैट मीन्स यही चीज़ हमें पूछ रहा है और ये चीज़ हमारा यही है ना, यही पूछ रहा है, तो ये हो गया। अब हमें 1/8 कैंसल आउट कर देना है, तो 1/8 अगर इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 179/2 इंटू 1/8 फाइंड इंटू एट फाइंड करना है, यही फाइंड करना है फ्रेंड, क्योंकि ये चीज़ हमारा सेम यही चीज़ है जो हमसे पूछ रहा है, तो इसको छेड़खानी नहीं करेंगे ना, इक्वल टू यही हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं, इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना फ्रेंड, अब इससे देखिए फ़ायदा हो गया कि नहीं तो हम पहले एक्स निकालते यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर हम यहाँ के क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते एक्स में, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो काफ़ी लंबा हो जाता ना। लेकिन अगर आप ऐसे दिमाग लगा लिए तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसको इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 4 आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 9 6 36 77 64 3 71, डेट मीन्स 716 हमारा आंसर होगा, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यह थे, समझ में आया ना फ्रेंड, तो ये था हमारा फ्रेंड टाइप फर्स्ट, हमने परसेंटेज के टाइप फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम टाइप सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं।
ठीक है ना फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।